आपके यहाँ पे कोई भी नहीं सुनेगा, इसलिए आपको जो कुछ करना है ना अपने लिए खुद करना होगा। अभी भी ऐसे बैठी हुई हो, चाय भी नहीं पी, ठंडी हो गई होगी। मेरा दिल नहीं चाह रहा अम्मी। पिया तुम मेरा सबर क्यों आजमा रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं करी तुम्हारे लिए? अम्मी आप जानते बूझते मुझे साग में धक्का दे रही, इससे तो बेहतर आप मेरा गला दबा दे या जहर खिला दे मुझे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? जिंदगी हमें एक और मौका दे रही है। इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने वाले मुहाफिज नहीं बनते बेटा। अम्मी आपको लग रहा है कि वो बदल गया? ये भी उसकी एक चाल है, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? अच्छा मान लेते हैं कि जो तुम सोच रही हो वो सही है। भैया तुम्हारा क्या होगा अगर दानियाल ने तुम्हें तलाक नहीं दी? वो तो आराम से कहीं और शादी कर लेगा, तुम्हारा कौन सहारा बनेगा बेटा? तो अम्मी मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुला लूंगी उससे। या ख्वाब देखने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। अगर तुमने उनके अना पे हमला किया कुचल देंगे तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी भैया।